सो हे गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू माय चैनल झारखंड लैब। तो गाइस, यहाँ पे देखिए, जैक बोर्ड के स्टूडेंट्स जो भी 2023 में एग्जाम देंगे बोर्ड की, उनके लिए एक खास नोटिस आई हुई, जो कि आप लोग सभी को पता होना चाहिए कि आप लोग का जो एग्जाम्स लिए जा रहे हैं बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट में, एंड हो सकता है आपके डिस्ट्रिक्ट में लिया जा रहा है। आप लोग कमेंट उसमें बताइएगा कि आप लोग के डिस्ट्रिक्ट में जो मैं एग्जाम की बात करने वाला हूँ, वो एग्जाम आपके डिस्ट्रिक्ट में हो रहा है या फिर नहीं। अगर हो रहा है तो कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है, वो अब जरूर कमेंट उसमें बताइएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, बोला जा रहा है कि आप लोग का जो है सेकेंड मॉक टेस्ट होना, जैसा कि आपको पता है कि फर्स्ट मॉक टेस्ट हो चुका है एंड उसके बाद सेकेंड मॉक टेस्ट लिया जाना है, जो कि डीयू दुमका, यानी कि जो दुमका के डीयू है वो इस चीज को करा रहे हैं। खास करके ये जैक की तरफ से तो फुल्ली, मतलब जैक नहीं ले रहा है इसे, लेकिन हाँ वहां के डीयू सर इसको ले रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए, आगामी वार्षिक माध्यमिक एवं इंटरमीडिएट परीक्षा 2023 में सम्मिलित होने वाले छात्र छात्राओं के लिए बेहतर परीक्षा फल प्रदर्शन के नियमित मॉडल प्रश्न पत्रों के आधार पर द्वितीय मॉक टेस्ट का आयोजन निम्न कार्यक्रम के अनुसार किया जाना है। तो गैस, आप लोग का जो मॉडल पेपर है उस अकॉर्डिंग से आप लोग का जो है यहाँ पे टेस्ट लिया जाएगा, लेकिन फिलहाल मॉडल पेपर नहीं आया हुआ है। मॉडल पेपर कब तक आ सकता है वीडियो में बताऊंगा, तो वीडियो को पूरा देखना है। उसके साथ ही गैस, यहाँ पे एक बताया गया है कि आप लोग का प्रश्न किस प्रकार से हो सकता है बोर्ड में, जैसे कि आपको सैंपल पता चल जाएगा, वो चीज मैं आप लोग को बताऊंगा, ठीक है। तो वीडियो को पूरा देखना। तो यहाँ पे देखो, जो आप लोग का एग्जाम है 10th वालों के लिए, वो 21, 22 और 23 को है। प्रथम पल्ली में जो है विज्ञान, सॉरी गणित, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान है। वही द्वितीय पल्ली में, यहाँ पे देखिए आप लोग का द्वितीय पल्ली में क्या है, तो हिंदी है, संथाली है और इंग्लिश है, ठीक है, यानी अंग्रेजी है। तो यहाँ पे जो है 11 से 12 और 12-15 से 1-15 तक में आप लोग का एग्जाम लिया जाएगा। डेली है 21, 22 और 23 को, ठीक है। आप लोग यहाँ पे देख लिए। वही इंटरमीडिएट का यहाँ पे देखिए, कला विज्ञान और वाणिज्य के, कला विज्ञान और वाणिज्य के, यानी कि यहाँ पे 11 से 12, 12-15 से 1-15 तक में आप लोग का एग्जाम लिया जाएगा, 21, 22 और 23 को। आप लोग सब्जेक्ट अपना देख लीजिए यहाँ पे, जो भी आप लोग स्क्रीनशॉट इसको ले सकते हैं, ठीक है। और ये जो मॉक टेस्ट आप लोग का जो है स्कूल कॉलेज के टीचर्स प्रिंसिपल का ये जिम्मेवारी होगा, विद्यालय प्रधान का ये जिम्मेवारी होगा कि उसको कराएं, ठीक है। और जो क्वेश्चन पेपर है वो उनको मिल जाएगा, ठीक है, और वो अपना जो भी एग्जाम है करा लेंगे आपका। और इसका जो उत्तर पुस्तिका है वो जांच भी किया जाएगा, और उसका जो अंक है उसे जमा कराना होगा, ठीक है, बीआरसी में से जमा भी कराना होगा। और मैं गाइस आप लोगों को बताऊंगा कि अगर देखो दुमका से हो आप और आपके यहाँ एग्जाम हो रहा है, और कुछ स्टूडेंट्स ये सोच रहा है कि हम एग्जाम नहीं देंगे, तो आप गलत कर रहे हो। आपको एग्जाम देना चाहिए। इससे होगा ये कि आपको फिर से प्रैक्टिस भी हो जाएगा, दूसरे कि अगर आपको इंटरनल मार्क्स, जैसे कि देखो अगर 12th में बात करूं तो 10th में और 12th में, ठीक है, यहाँ जो है प्रैक्टिकल होता है, ठीक है, और एक इंटरनल असाइनमेंट दिया जा रहा है आप लोग को। तो इंटरनल असाइनमेंट जो है आप लोग को इन्हीं परीक्षाओं के माध्यम से मिलेगा, ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा आप लोग। इंटरनल असाइनमेंट इसी माध्यम से मिलेगा आप लोग को, जो एग्जाम हो रहा है और दूसरे डिस्ट्रिक्ट में होता है, तो यही रूल्स को फॉलो भी किया जाएगा, ठीक है। तो इंटरनल असाइनमेंट दोनों में होगा, क्योंकि आपको पता है कि प्रैक्टिकल एग्जाम 30 मार्क्स का होता है 12th में और 10th में 20, ठीक है, लेकिन कुछ विषय जो है नॉन प्रैक्टिकल होते हैं, उसमें जो है इंटरनल असाइनमेंट के बेसिस पे आपको प्रैक्टिकल इस पर दिया जाएगा। और यहाँ पे प्रैक्टिकल तो प्रैक्टिकल है ही 12th में, लेकिन यहाँ पे 20 आपको उस विषय में दिया जा रहा है इंटरनल असाइनमेंट, जिसमें प्रैक्टिकल नहीं है। सो जो नॉन प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स हैं उसमें यही सब मार्क्स आपके काम आएंगे, तो आप जरूर से उसको दीजिएगा। और अगर आपके डिस्ट्रिक्ट में नहीं हो रहा है तो घबराने की कोई बात नहीं है, आपके यहाँ भी होगा या फिर नहीं भी होगा तो वो आपके स्कूल कॉलेज वाले टीचर समझेंगे उसे, ठीक है। यहाँ पे देखिए, कंडिका 2 में बताया जा रहा है कि वार्षिक माध्यमिक एवं इंटरमीडिएट परीक्षा 2023 में सम्मिलित होने वाले छात्र छात्राओं के लिए बेहतर यहाँ पे परीक्षा फल प्रदर्शन के लिए जो है के नियमित झारखंड अधिविद्य परिषद रांची द्वारा वर्ष 2019 में वार्षिक में पूछे गए प्रश्नों को दृष्टिपथ रखते हुए छात्र छात्रों को समय अभ्यास निम्न कार्यक्रम के अनुसार सुनिश्चित करें। यानी कि बोला जा रहा है कि जो अभ्यास है वो तो ऊपर वाला जो है आप लोग का जो है मॉक टेस्ट था, ठीक है, लेकिन यहाँ पे अभ्यास भी कराया जाएगा आप लोग का। तो अभ्यास जो है यहाँ पे देखिए, 2/1 से, यहाँ पे ये 10th वालों के लिए, ठीक है, 2/1 यानी 2 जनवरी 2023 से 6 जनवरी 2023 तक में आप लोग का गणित, हिंदी और विज्ञान का यहाँ पे एग्जाम लिया जाएगा, प्रिपरेशन आप लोग कराया जाएगा। वही 7 जनवरी 2023 से 14 जनवरी 2023 तक में सामाजिक विज्ञान, अंग्रेजी एवं संथाली का एग्जाम आप लोग का लिया जाएगा, ठीक है। और 2019 के पैटर्न के बेसिस पे, मतलब 2019 में जो प्रश्न पूछे गए थे उस बेसिस पे आपका एग्जाम होगा, और वही प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, ठीक है, मतलब आपके टेस्ट में। और हो सकता है ये जो है आपके बोर्ड एग्जाम में तो काफी क्वेश्चन यहाँ से मैच करे, इसलिए इसको जरूर कर लीजिए आप लोग। और वही 12th वालों के लिए देखिए, 2 जनवरी 2023 से 6 जनवरी, मतलब डेट आप लोग का सबका सेम है, आप लोग यहाँ पे अपना सब्जेक्ट का स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है।
देख लो। वही यहाँ पे देखिए, झारखंड विद्यालय परिषद रांची द्वारा वार्षिक 2023 का मॉडल प्रश्न पत्र प्राप्त होने पर उसे अलग से उपलब्ध करा दिया जाएगा, तत्पश्चात मॉडल प्रश्न पत्र के अनुसार यहाँ पे तैयारी कराया जाए। मतलब 2023 का जो मॉडल पेपर है वो जैसे ही जारी होता है उसे उपलब्ध करा दिया जाएगा। तब तक जो पुराने मॉडल पेपर है या जो पुराने क्वेश्चन पेपर है उस बेसिस पे आपका प्रिपरेशन कराया जाएगा। यहाँ पे देखिए, मैंने एक खोल के रखा हुआ आप लोग के लिए, साइंस वालों के लिए, फिजिक्स का 12th का, ठीक है। इसी तरह से बोलोगे तो मैं सारे का आप लोग को अवेलेबल करा दूंगा, जो मॉडल पेपर है आप लोग का 2019 का, जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे देखो 2019 लिखा हुआ है ना, तो ये चीज है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग आकर के कर सकते हो। और ये जो आपको डेटशीट अगर डाउनलोड करनी है तो मैंने इसका लिंक आप लोग को दे दिया है। आप लोग को झारखंड लैब सर्च करना है गूगल पे, एंड झारखंड लैब डॉट कॉम पे आने के बाद आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, फर्स्ट में ही आपको मिल जाएगा सेकंड मॉक टेस्ट टाइम टेबल। और गाइज मैं बोलूंगा लाइव टेस्ट एंड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को सभी लोग करिएगा। यहाँ पे धीरे धीरे सबका मॉडल पेपर, सॉरी मॉडल पेपर बोल रहा हूँ, लाइव टेस्ट, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ये सारी चीजें अवेलेबल कराई जा रही है। तो आप लोग जरूर से आकर के यहाँ पे अपना जो भी है जरूर से दीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हो सारी चीजें हैं, तो आप लोग इसको जरूर से आकर के, यहाँ पे सारे का लिंक अवेलेबल है, तो आप लोग जरूर इसको ट्राई कीजिएगा। और मॉक टेस्ट वाला इसको डाउनलोड करने के लिए सिंपली आप लोग को स्क्रॉल करनी है, हल्का सा स्क्रॉल कीजिएगा, इसको सारे को पढ़ लीजिएगा। एंड पढ़ने के बाद गाइस आप लोग जरूर यहाँ पे आइएगा, एंड यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको यहाँ पे सारे डेट्स आपको मिल जाएंगे। ये मॉक टेस्ट का है, प्रैक्टिस वाला का मैंने नहीं लिखा हुआ यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद आप लोग देखिए डाउनलोड जैक मॉक टेस्ट, यहाँ पे आपको मिलेगा टाइम टेबल, यहाँ पे डाउनलोड बटन मिलेगा, आप लोग को क्लिक करना है। थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल कीजिए तो 15 सेकंड का टाइमर चलेगा। 15 सेकंड का टाइमर चलने के बाद ये आप लोग ऑटोमेटिक से डाउनलोड हो जाएगा, मतलब ड्राइव का लिंक खुलेगा, वहां से आप लोग इसको डाउनलोड कर पाओगे आराम से, ठीक है। ये जो नोटिस है 15 तारीख को रिलीज हुआ है और आज 16 तारीख तक तो आपके पास है, आप लोगों को मिल चुका है। एंड प्रिपरेशन करने के लिए प्रीवियस ईयर का मॉडल पेपर, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर, ये सारी चीजें जरूर से करें, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए टाइमर खत्म हुआ एंड ऑटोमेटिकली यहाँ पे ड्राइव आपका खुल चुका है, एंड यहाँ पे क्लिक करके इसको आप लोग डाउनलोड कर सकते हो अपने फोन में भी, ठीक है। तो जो भी था गाइज मैंने आप लोगों को वीडियो में बता दिया, अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो जरूर लाइक कीजिएगा। और हमारे चैनल पे आपको जो है बहुत ही जल्द इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का सीरीज स्टार्ट हो रहा है, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, 1-2 दिन में आपको वीडियो मिलना स्टार्ट हो जाएगा। तो मिलते हैं गाइज नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टूडियो गाइज।